प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रातः 10 बजे से किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों द्वारा निर्मित विज्ञान और अन्य विभिन्न विषयों पर आधारित नमूने, चित्रकला एवं हस्तकला क्राफ्ट भी प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में पधारने पर मुख्य अतिथि का स्कूल के प्रधानाचार्य माइकल एंड जॉन ने स्वागत किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रातः 10 बजे से किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों द्वारा निर्मित विज्ञान और अन्य विभिन्न विषयों पर आधारित नमूने, चित्रकला एवं हस्तकला क्राफ्ट भी प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विजय ठाकुर ने छात्रों द्वारा निर्मित चित्रकला, हस्तकला, विज्ञान और अन्य विषयों पर आधारित नमूनों की खासी प्रशंसा की और विद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी की सराहना की। हर साल की तरह इस साल भी हमने ये एग्जीबिशन लगाई है और जिसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और हर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ न कुछ वो बनाते हैं। ठीक है, इसमें पूरे पूरे स्कूल के जितने भी क्लास नर्सरी टू क्लास 12 के बच्चों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह यहाँ पे रखे हैं। किसी ने आर्ट्स में कुछ किया है, किसी ने डिजाइन में किया है, कुछ ना कुछ बनाया बच्चों ने। फर्स्ट टाइम इस यहाँ की इस एग्जीबिशन को देखने का मौका मिला। बहुत सारा प्रयास बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और प्रिंसिपल्स के जो एफर्ट्स हैं उनको देखा। तो इस एग्जीबिशन में नर्सरी क्लास से लेकर प्लस टू तक के बच्चों के, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पोर्ट्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो फील्ड्स या एक्टिविटी थी उनको भी, और दूसरी आर्ट्स से रिलेटेड ज्योग्राफी या दूसरे लिटरेचर से लेकर हिंदी, इंग्लिश, सभी तरह के मॉडल्स, लाइव मॉडल्स और उनके चार्ट पेंटिंग्स, सभी तरह की, कोई भी ऐसा एरिया जो है वो नहीं बच पाया है यहाँ पर जो एग्जीबिशन में डेमोंस्ट्रेट नहीं किया है। तो बहुत ही सराहनीय है और इस तरह की एग्जीबिशन जो होती हैं वो बच्चों के हुनर को त्रासने में और इनको एक्सपोज करने में जो बहुत हेल्प करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में जो है वो हर क्लास में हर बच्चे को इसका मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता कि यहाँ पर कोई भी बच्चा इससे जो है वह छूता नहीं रहा है। बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इस माध्यम से आज यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर माइकल इजॉन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा है और मैं देखता रहता हूँ कि स्कूल के बहुत सारे कार्यक्रम इस तरीके से जो पूरे साल भर सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।